चवंदा आहिनि त तालीम इंसान जी टीं अख आहे, पर सिंध में तालीम इदारनि जी हालति ते नज़र फिराइजे त ॾंदे आङरियूं अची वेंदियूं। तालीमी एमरजेंसी लागू हुअण ऐं हुकूमती दावाऊं बावजूदि सूबाई राजधानी कराचीअ समेत सिंध जा अक्सर स्कूल इमारतुनि खां ई महरूम आहिनि, जंहिं सबबु शागिर्दनि जी तालीम सख़्तु मुतासिर थी रही आहे। मलीर जे इलाइक़े इब्राहिम हैदरी जो गवर्नमेंट प्राइमरी तैयबा स्कूल बि बुनियादी सहूलियतुनि खां वांझियल आहे, जंहिं सबबु ॿारनि स्कूल अचणु ई छॾे ॾिनो आहे। स्कूल जे उस्ताद KTN न्यूज़ खे ॿुधायो त हीउ स्कूल 1990 में ठहियो, पर अफ़सोस सां चवणो पवे थो त हिते का बि सहूलियत मौजूदु न आहे। इस स्कूल की ख़स्ता हालति होते हुए तक़रीबन 4-5 साल हो गए। ये पहले यहाँ मैडम होती थी, उस ज़माने में भी स्कूल नहीं चलता था। बाद में उनका रिटायरमेंट हो गया। रिटायर होने के बाद एक साल ये स्कूल बंद रहा। स्कूल बंद होने के बाद फिर हमें जो डायरेक्टर ऑफिस ने हमें यहाँ भेजा गया एक बंद स्कूल को खोलने के लिए। जब से हमने बहुत कोशिश किया लेकिन हम नहीं कामयाब हो सके। फिर हमने 2-4-5 बच्चे फिर भी लोगों की मिन्नत समाज करके हम लेकर आए थे, लेकिन कोरोना की छुट्टियों में वो बच्चे भी भाग गए। सबब ये है कि स्कूल का खस्ता हालत है, बिल्डिंग खिड़कियाँ टूटा हुआ है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, छत टूटा पड़ा है। आप देखें पूरा हर बिल्डिंग के हर जगह से जो है प्लास्टर गिर रहे हैं, तो खौफ की वजह से बच्चे यहाँ नहीं आते। और दूसरी वजह यह है कि हमारे सामने आशी पब्लिक स्कूल है, सामने बिल्कुल करीब में जो है सिंध फाउंडेशन का स्कूल है, और हमारे बिल्कुल स्कूल के बाएं जानब जो है 2 NGOs के स्कूल चल रहे हैं, जो तुर्की की तरफ से चल रहा है, और इस तरफ जो है ना बाएं हाथ की तरफ सीधे हाथ की तरफ 2 चल रहे हैं, बाएं हाथ की तरफ 2 NGOs के स्कूल चल रहे हैं, जिसमें बच्चों को किताबें दी जाती है, पेंसिल दी जाती है, और बच्चों को पिकनिक भी कराए जाते हैं। तो बच्चे वहाँ जाएंगे या हमारे पास आएंगे? इस खस्ता हालत में क्यों आएंगे? गवर्नमेंट हम लोगों की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देती है। आला हुकाम से एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा एप्लीकेशन दिया, और आते हैं विजिट करके जाते हैं। हमारे बायोमेट्रिक वाले भी आते हैं, बायोमेट्रिक वाला तस्वीर लेकर जाते हैं। हमने अपने अफसर बाला को एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं करती हम लोगों के लिए। साॻी हालत इब्राहिम हैदरीअ में ई वाक़ियो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बिहार मदीना 2 जी आहे, जिते स्कूली इमारत खे न चौधीवारी आहे न ई पखा मौजूदु आहिनि, जॾहिं त उस्तादनि जी पिणु खोट आहे। बिहार मदीना स्कूल जे उस्तादनि ॿुधायो त केतिरा ई भेरा तालीम खाते जे अमलदारनि खे लिखत में आगाही ॾिनी आहे, पर को बि नोटिस वठण लाइ तयारु न आहे। हा, सही ॻाल्हि इहा आहे त 2013 में आऊं हीअ स्कूल खोलियोसि, हिते मतिलबु शिफ्ट थियोसि। पहिरीं हीअ स्कूल ॿिए साइड में हलंदो हुओ, पोइ इन हिते कुझु मिलियो कोन हुओ असांखे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु बिल्डिंग मिलियो, बिल्डिंग में कमु हलायो। पोइ जेका फर्नीचर तव्हां ॾिसो पिया या ही कुझु शयूं ॾिसो पिया, असां पाण कुझु SMC फंड मां करे इहे जेका हलनि पिया इहे आहिनि। बाक़ी रहियो सुवाल बच्चा सफ़ाई सुथराई में, इहा असां वटि न स्वीपर आहे, न चौकीदार आहे, न को फ्यून आहे। इन हिसाब में जेका आहे असां अपनी मत आप जेका ॿारनि जो कमु हूंदो ॿार कंदा, असांजो कमु हूंदो असीं करूं पिया। सम्झी हाणे तव्हां ॾिसो तक़रीबन 2000 गज़ खां मथे प्लाट आहे, इन में चौकीदार बि कोन्हे। असांजे पका वका जेका आहिनि सभु चोरी थी विया आहिनि, बिजली जा बि कुझु आइटम बीहा हुआ, तारनि बि ॾिस सभु मेन स्विच चोरी कया, तार चोरी कनि था। हिते ई हालत लॻो पियो स्कूल नालो आहे GBPS ॿारी मदीना नंबर 2। भई ॿारा झाड़ू हणनि था, हुननि जो छोकिरी मजबूरी आहे असांजो बि, छाकाणि सफ़ाई बि खपे, सफ़ाई न हूंदो त पढ़ाई डिस्टर्ब थींदो असांजो। उहे ॿारा वीचारा पंहिंजे शौक़ सां जेका आहिनि उहे कंदा आहिनि, पर अगरि स्वीपर मिली वञे त असां स्वीपर जो कमु हूंदो, चौकीदार मिली वञे त चौकीदार पंहिंजो कमु कंदो। हींअर बि असां ताज़ो ॾिना आहियूं, पर उहो पर्चो मुंहिंजे कीसे में न आहे, ऑफिस में उहा बंदि आहे, पर हीअ त ॾिना आहियूं वक़्तनि लेटर पिया आहिनि मूं वटि, सॼो रिकॉड पियो आहे, पर केरु सर्वे करणु कोन आहे, न को ॾिसणु आयो न को उहो करणु आहियो। शागिर्द केतिरा आहिनि हिन स्कूल? शागिर्द तक़रीबन 80 कनि आहिनि मौजूदा जेका आहिनि। थोरो हीअ 2 क्लास था चऊं पिया न, 2 क्लास में असां पढ़ायूं, छाकाणि टीचर असां वटि आहिनि 2। पहिरीं मां अकेलो हुउसि, पोइ हाणे नओं जेको भर्ती ते आहे छोकिरो नओं आयो, 2 टीचर आहिनि, 2 क्लासूं असीं हलनि पिया। ॾिसो आउं ॻाल्हि कंदो सॼे कराची जी साहिली पटी, जेको कराची जी साहिली पटी मुबारक विलेज खां वठी लटबस्ती ताईं 129 किलोमीटर जी साहिली पटी आहे, जंहिंमें माइग्र जी तादादु घणी आहे। हे उहे माइग्र आहिनि जेको कराची खे बनाइण वारा आहिनि, कराची खे बनाइण वारा ई माइग्र उन जा तव्हां ॾिसंदा तालीम तबाह ऐं बर्बादु आहे, न हुते एजुकेशन आहे, न हेल्थ जी सहूलियत आहे, कुझु बि न आहे। त इहा ज़िमेदारी जेकी आहे त सिंध हुकूमत जी आहे, ऐं जेको जंहिं स्कूल में पाण बीठा आहियूं इब्राहिम हैदरी जी ॿार आहे मदीना स्कूल आहे, हिते तव्हां हालति ॾिसो की बिल्कुलु जेको सो हिते न टीचर आहिनि, न सही तरह बेड आहिनि, न पंखा आहिनि, अगरि न चौकीदार आहे, न प्यून आहे, कुझु बि न आहे, न टीचर आहिनि।
अगर ही स्कूल अगर के सही तरह हलाया वे तो इतने जो बार माइग्रेंट ये सब टोटल जो ये बार तुम तो माइग्रेंट जहाँ बार इन वालदेन समुंड वा बार पढ़ा चाहन था पर सारी बेवसी जी सिंध हुकूमत जी वजीर तालीम जी यहाँ पे झाड़ू हम लोग खुद लगाते हैं, यहाँ से चोरियाँ हो जाती हैं, यहाँ के चौकीदार हैं भी नहीं, पंखे भी नहीं है, पंखा नहीं है, गर्मी लगती है हमको और खिड़की में पत्थर मारते बाहर से और झाड़ू भी नहीं है, हम खुद देखभाल करते हैं स्कूल की, पंखा नहीं है, गर्मी लगती है हमको। असांजे स्कूल में पंखा भी कोने, गर्मी लगे थी न कोई चौकीदार, खिड़की विड़की तोड़े, गेट बेट तोड़े, सब कुछ असा किताब भी नथा छड़ी, सब कुछ खड़े हो जाए। कोरंगी के गोठ गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की हालत भी इनता ही खराब है, इमारत की छत न होने सबब बारा वण हेठा तालीम पढ़ाने ते मजबूर आन। उस्तादन केटीएन न्यूज़ के बुधायो तो 2013 में स्कूल की अड़ी हालत है, तालीम खाते के आगाही देने बावजूद संदन कन ते जुएं नथी चुरे। स्कूल में बारन के बिना मुआवजे पढ़ाईंदड़ उस्ताद सहूलतन की खोड़ सबब केटीएन न्यूज़ से गलाइंदे लुड़क लाड़े वेठो। सब पैसे करे मानू वेंदा मां पैसे जी जरूरत ना मुखे पैसे बस मैं उस्ताद जिते आ मां हुआ हुंदा तो जाम हो आने बच्चे चार बेटन जाए खराब है सन जी स्कूल को डेंजर है बस वो ही वेंदा बेटा हमसे उम्मीद है ना अल्लाह थे ना आसरे बेटा है मानू जे मानू के चवन ता चवन ने बल्कि तस्वीर कडे व्या व्या कुछ कया कोन बच्चन जो हालत की है पढ़ाई तो दिस तो पान या के थिन मुस्तकबिल छा थिन तो गवर्नमेंट के आऊं यो छवन तो चाहे तो ई स्कूल जो का 1968 जो तामीर आ ये आखिरी साल जी भी तामीर 1991 जी आ पर ये आवा के दिस ये हालत में आ ये बिल्डिंग जो को आ ना तमाम खराब हालत में आ से अंदर वे भी को ना सकूं बार बार वण जी हेठा जो है पढ़ने में मजबूर आ हाँ गवर्नमेंट के यो बुधान तो चाहें तो ये बार नंढड़ा जो भी इतने वेठा पढ़ने ला वण जी हेठा और स्कूल की हालत आ तो अंदर वेही पढ़ाने का मतलब डब लगे तो गवर्नमेंट के यो दरख्वास्त आ ये स्कूल जो अस पंज कमर की एकड़ी ऑफिस तमीर कराए मौके दियन ताकि इतने गोटाणा जो भी वो बार प्राइवेट स्कूल में पढ़ने ना वन इतने गवर्नमेंट स्कूल में अचन ये कराची शहर में स्कूल है पर इन जी ये हालत है अजा तक तामीर को थे यानी 1968 का वरी भी मरतबा तामीर ही न थो 1991 भी बिल्डिंग टही वो वह तो वरी पे किरी वो है पुरानो बिल्डिंग ते रेल है नौ बिल्डिंग वरी किरी वो ऑफिस में किताब असके मिले पर पूरा को मिले कोर्स जहा सही है ना कोर्स जो किताब कई स्कूल सिंधी मीडियम वालों के न मिले पूरा ना मिले सही है ना इन कर उर्दू स्कूल के सिंधी स्कूल में उर्दू तालीम देने लाय उस्ताद मजबूर आन पर मुट भी सिंधी पढ़ाया तो जो मुट कोर्स कंप्लीट ना है पो भी सिंधी पढ़ाया तो इन सब में इन स्कूल में जो आना तो पूरा अगर मुख्य मोकल तो बाबा सिंधी स्कूल के उर्दू स्कूल करने लाय तैयार ना आया आज अहमद स्कूल में होस उते उर्दू स्कूल मैडम थी वी तो इन सबब तो मुख्य इतने मोकल तो पैर उन इंचार्ज चयस इन ला तैयार न हो तो सिंधी मीडियम स्कूल जो उर्दू मीडियम थे उन सुपुरादर मौके इन स्कूल में मोकिल में स्कूल डेंजर है पक्का भी ना ना स्कूल में इतने गर्मी है असके स्कूल ठहरा दियो इनके कर बैठा पखो ना है पानी ना है ना वॉशरूम भी ना है कुछ भी ना है असके स्कूल ठहरा दियो तकरीबन 1968 जो ही स्कूल ठहल है 68 जो और दुख की गाल है तो जो सो इतने जो है सो पे तो एजुकेशन वाले की यहाँ कोशिश लगी पे तो असन सिंधी स्कूल के जो है सो उर्दू मीडियम क्यों उन बिल्डिंग की अभी हालत दिसी रहा हो जका पुरानी बिल्डिंग थियल है 1968 वाली वो आज भी मौजूद है 1991 वाली जो हि बिल्डिंग ठहल है वह हाल जो बारिशों थी उनमें निस्तो नाबूद थी वही है इन खौफ का जो इतना जहाँ रहवासी इलाका मकीन वेचारा वो पैंजा बार इन खौफ को छड़न ही ना तो बाबा मत बिल्डिंग करे अवज अगे अखियन जो है बारा हाँ छाव के हेठों वेही उ भी पंज छह बार अचन था जो अच्छी पढ़न था पाया चवण जो मकसद यो है इन की शिकायतों अस पा भी जो है सो पा सही सदार शाह भी डायरेक्ट पर्सनल से भी मानू दे मैसेज कया तो सही हि अस मसलो आ ये असि बार मसलो आ जे सिंधी जे दर्स के लिए जो सिंधी किताब वो इनके दियण बंद कर छा अतों उन्हें कोशिश याद इन उर्दू पढ़ा जड़े तो इतने जो है सो अस हाँ दिठो आ 27 असा सिंधी स्कूल उन 27 में पंजवी स्कूल उर्दू कर छ्यान
हाँ बकूल असा बचा एक ताज मोहम्मद गबोल एको जो पावर गोठा उत बिलाल कॉलोनी में ये असा ये सिंधी मीडियम बचा माना इन कोशिश यह सिंधी पढ़ाई अस खत्म क्यों जी वही दुख जड़ी गाल है सर मात मुतालबो जे भी एजुकेशन से वाबस्त हैं उन्होंने खास कर वजीर तालीम के चवंदे छो तो असा करप्शन असाजे इन इदार के सफा खाई वही है पर उनको नुकसान यो तो थे असा जो ही बार मासूम बोली सिंधी बोली में उन्हें तलीम न मिले तो यो तो चवंदुस मन असाज अधिक तबाही जो मकाम है सिंध के तालीम खाते के घुर्जे तो फौरी तौर पर इन अहम मसले से ध्यान दई बारन जो मुस्तकबिल बचाए। कैमरामैन जुल्फकार चांडियो सा गड अल्ताफ चन्ना केटीएन न्यूज़ कराची।